एक मुद्दा है साथियों, परसों बहुत जल्दी अपनी परीक्षा है, 24 तारीख को जो पीछे अपने किसानों पे लाठीचार्ज हुआ और खासकर हमारी 80-80 साल की माताएं जिनके सिर फोड़ दिए गए, मैं बहुत गारंटी के साथ कहता हूँ यार, पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ, ये किसी पुलिस वाले का काम नहीं है। इन पुलिस के बेस में कुछ भेड़िए भी घुस रहे हैं और हमने 3 बार पहला पकड़ लिए, उस दिन हमारे साथियों से चूक रहेगी। उनको दबोच लेना था और खींच लेना था कीकरा के बीच में, जो उनसे 1-2 स्त्रियां के थे, क्योंकि हमारा पुलिस का सिपाही कदे भी अपने माँ बाप के सिर में लाठी नहीं मारेगा। वो लाठी मारने वाले कोई न कोई और थे, ना उनके जेब पे बैज था, ना उनकी बेल्ट नंगी थी, बेल्ट नंबर बिल्कुल स्पष्ट दिखना चाहिए जो पुलिस के लोग होते हैं, और किसी के भी हाथ में सीधा डंडा नहीं था, बांगी बोली लाठी थी, मोटी लाठी थी, जो पुलिस के पास डंडे होते हैं उनके बिल्कुल नज़दीक भी बात नहीं थी। ऐसे लोगों को अब हमने परख लिया है और उनसे ठीक एक एक करके हर बदला लेंगे। और उसी दिन हमारी 8 बजे तक जो बातचीत चली, लेकिन वो आईजी डीआईजी उन्होंने जो आश्वासन दिए थे कि सब मुकदमे वापस हो जाएंगे, उन्होंने धोखा किया और मुकदमे वापस नहीं हुए। 24 तारीख को कमिश्नर हिसार का घेराव करेंगे और यहाँ से हजारों की संख्या में लोग जाएंगे, हर गांव से साधन जाएगा, ताकि देर सवेर से रात हो जो गांव की गांव में आना जाना आसान हो जाएगा। तो हम ये भी बताते हैं कि हमारे नज़दीक है कमिश्नर हिसार का जिला है ये, और इस ताकत के साथ हम जाएंगे और जितने भी मुकदमे दर्ज हुए उन्हें वापस कराएंगे, जिसे अपने साथी आर्य साहब कह रहे थे। सरकारें दबाव में बहुत कुछ करती हैं, जब दबाव में झूठा मुकदमा दर्ज होता है तो दबाव में उन्हें खारिज भी किया जाता है, और दबाव हम बढ़ाएंगे, क्योंकि सच्चाई ये हमारे बुजुर्ग कहते रहे हैं, एक नींबू में रस है, चाहे आप उसके 4 टुकड़े कर दो, जब तक दाब नहीं डाल लोगे उसमें तो रस नहीं टपकेगा, चाहे 2 टुकड़े करके दाब डालो और चाहे 4 टुकड़े करके दाब डालो, दाब डालनी ही पड़ेगी, और हमें इस सरकार पे भी उसी तरह की दाब डालने का काम करना पड़ेगा। तो 24 तारीख को यहाँ बड़ी संख्या में जाएंगे और 26 तारीख को, और मेरी एक अपील भी है, जिन जिन गामा की तैयारी हो जाए कल ने वो बता दे कितने लोग जाएंगे, क्या साधन जाएगा, या नोट करवा दे उसे हर सिंह को, परसों सुबह अपन जल्दी चलना है। क्रांतिमान पार्क में सभा होगी पहले और फिर कमिश्नर ऑफिस जाएंगे। तो इसके अलावा 26 तारीख का एक बड़ा प्रोग्राम है जो पूरे देश में है, उस दिन काले झंडे हर साधन पर टंगे होने चाहिए। आपको आज ही एक बड़ा काला थान ले आएंगे हम, और हमने बहनों की ड्यूटियां भी लगाई थी, उसमें से कैट के झंडे अपना आप सिम मांगे, कोई ज़रूरत नहीं फजूल खर्ची करने की, और जितने पुरुष साथी हैं उनके लिए एक पट्टा होगा यहाँ बांधने का, वो सब बांधेंगे, अपना साधन पर झंडा टांगना है, घर पे भी झंडा टांगना है। काला क्यों मना रहे हैं 26 तारीख को, उसके 2 बड़े कारण हैं। पहला है 26 तारीख को पूरे 6 महीने हो जाएंगे इस आंदोलन को चले हुए, इतनी असंवेदनशील संवेदनशील है ये सरकार, 6 महीने में इन्हें बात करने का मौका नहीं मिला। यहाँ के प्रधानमंत्री ने ढाडी तो बढ़ा ली लेकिन बात करनी घटा ली, और बंगाल चुनाव के बाद यूं नहीं पता इस देश में है विदेश में, विदेश में जाना तो अब बंद हो गया क्योंकि विदेशी दरवाजे उनके लिए बंद हो गए हैं, वो बहुत घूम लिया शुरुआत में। तो ये जो काला मनहरे यहाँ पर 6 महीने में भी बात नहीं सुनी, 64 ज़्यादा किसान हमारे बीच से चले गए, उनकी कुर्बानी को हम किसी तरह भूल नहीं सकते, उसको याद करेंगे और शपथ लेंगे कि इस सरकार को जो यहाँ से इस तरफ वाली है उसको अरब सागर में पटकांगे ठहके, और जो उधर वाली है उसे बंगाल की खाड़ी में। हिंदुस्तान में बीजेपी आरएसएस और उसके लग्गे बग्घा के लिए कोई जगह नहीं रहेगी, उनका स्थान बंद कर देना है। एक 26 तारीख को 7 साल पूरे हो जाएंगे मोदी के, पहली सप्ताह 26 मई को ही लीजिए, उस 7 साल ने भी अपना काला ही मानना, एक भी अच्छा नहीं हुआ। स्वामी जी यहाँ बैठे हैं, मैं इसलिए कहना चाहूँ, वैसे समय का अभाव है,
इतने धोखेबाज सरकारें हमें नहीं देखी। मेरी खुद 65 साल की उम्र होगी, भी यहाँ 75-80 साल के 90 साल तक के बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने आज़ाद होता हुआ देश भी देखा है और आज़ादी के बाद की अनेक सरकारें देखी हैं। ये प्रधानमंत्री कहता था 2014 में जब बनारस में गया, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया, ना मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो गंगा मैया ने बुलाया। लोगों ने सोचा ले भाई ये सही आदमी आ गया, गंगा ने साफ कर देगा। और फिर जब वो जीत गया और मंत्रिमंडल का गठन हुआ, बाबा जी बुरा ना मानियो, गुस्से में कहना पड़ रहा, दर्द है, एक बैबन बनाई थी फिर इसकी मंत्री गंगा साफ करने की, फिर जरूर जचगी लोगों के भाई इब तो बनागा कुछ न कुछ, बैबन कड़े ले जाएगी बेचारी पीछे ने। लेकिन रिजल्ट के निकला, पहले गंगा मैया में कोई मच्छी मरी हुई दिखाई दे जाती थी तो लोग यूँ कहते थे गंगा मैया का पानी खराब हो गया, यह निकम्मी सरकार इसकी सफाई नहीं करती। आज उस गंगा मैया में सैकड़ों लाशें तैर रही हैं। वो हालत कर दी गंगा को साफ करने की बजाय उसे और ज़्यादा प्रदूषित कर दिया। जो गंगा से धोखा कर सकता है, जो मैया से धोखा कर सकता है, वो अपना के होगा, इस देश की जनता का के लग गया। फिर दूसरा ये कहते थे, और हम सब लोग जब कहीं भी कोर्ट कचहरी में खड़े होते हैं गीता बहादुर के कहते हैं, मैं जो कुछ कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, गीता को आप इतना पवित्र मानते हैं, 250 रुपये की गीता प्रेस में छपने वाली गीता को इन्हें 38,000 रुपये में सरकारी महकमे का चेप दिया, वहाँ भी कितना बड़ा धोखा इन लोगों ने किया है। ये दगाबाज हैं, धोखेबाज हैं, और किसी को नहीं बख्शते। ये हमारे जो प्रतीक है